हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे 11.1 के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे रचना, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएँ दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, तो 2/3 गुनी। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग इसके मान को लिख लेते हैं कि इसके मान क्या क्या दी गई हैं। ठीक है, तो दिया गया है कि आपके पास 4 सेंटीमीटर, फिर दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर, फिर दिया गया है 6 सेंटीमीटर और इसके समरूप क्या करना है आपको 2/3 गुना त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एकदम सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे बड़ी भुजा है उसके लिए एक रेखा खींच लीजिए। तो देखिए 6 सेंटीमीटर, तो यहां से रखकर हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया हमने, एकदम करेक्ट। अब क्या कीजिए, स्केल से नाप लीजिए कितना 4 सेंटीमीटर का, एक चाप काटते हैं यहां से 4 सेंटीमीटर, एकदम करेक्ट है। यहां से 4 सेंटीमीटर रख के कट हो गया। इसके बाद फिर 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे हम यहाँ से, ये 5 सेंटीमीटर देखिए यहाँ आ गया एकदम। अब इस पे रखकर यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे, हो गया। अब इसे हम लोग मिलाएंगे, इसको मिलाइए, एकदम मिला देंगे इसको यहाँ से, इसमें एकदम इस कोना से। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहां से इस पर कट हो गया, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे कि यहां 2/3, तो जो सबसे बड़ा होता है उसके लिए क्या हुआ है, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे B, ये C और ये A माना मैंने। अब देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है उसको B से क्या करेंगे, न्यून कोण मानते हुए एक रेखा खींचेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से इसे 3 बार विभाजित करेंगे, 3 बार, 1, 2 और 3, क्योंकि 2/3 अर्थात इसका जो अनुपात है वह 1 से छोटा है, क्योंकि जब भाग लगाएंगे हम तो ये छोटा आएगा, अर्थात ऊपर अंश छोटा होने पर त्रिभुज अंदर बनता है और अंश जब बड़ा रहेगा तो त्रिभुज बाहर बनता है, बस दिमाग में आपको ये रखना है। इसके लिए यहाँ हो जाएगा B1, B2, B3 और आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, जब मिल गया अब इस पे रख कर बारी बारी हम एक चाप काटेंगे। ठीक है, B3 पे, फिर B3 हो गया, फिर B2 के लिए यहाँ पे रखेंगे, अब यहाँ से भी एक चाप काटेंगे। अब देखिए इन चापों को नाप लेंगे, एकदम करेक्ट कट गया है। अब इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे, ये मिल गया। अब बारी बारी यहाँ पर भी रख के चाप काटेंगे और यहाँ पर भी रख कर उतनी ही दूरी पर एक चाप काट देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको भी नापेंगे हम लोग, देखिए ये हो गया और ये चीज़ भी यहाँ पर ऐसे हो गया। अब यहाँ पर रख कर हम लोग क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। अब मिलाने के बाद आप लोगों का ये रचना तैयार हो गया है। ठीक है, देखिए एकदम बराबर आ रहा है ये डिस्टेंस और ये भी एकदम बराबर है और आप इसको मान लेंगे क्या C', इसको मानेंगे A'। तो इस प्रकार आपका ये त्रिभुज जो है, ठीक है, ये रचना तैयार हो चुका है। ये X था, इसका चरण आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं चरण क्या, कि सर्वप्रथम BC, सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा और B से
बी से चाप लेते हुए, ठीक है, बी से एक चाप काटते हुए 4 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटते हैं जो एक दूसरे को ए बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद फिर दूसरा में क्या लिख सकते हैं कि बी बिंदु पर न्यून कोण बनाते हुए एक बी एक्स रेखा खींचा जिसे 3 बराबर भागों में बांटा, ठीक है, 3 बराबर भागों में बांटा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि बी थ्री को सी से मिलाया और बी थ्री सी के समानांतर बी टू सी डैश एक समानांतर रेखा खींचा। इसी प्रकार ए सी के समानांतर ए डैश सी डैश एक समानांतर रेखा की रचना की। इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी सी के समरूप, त्रिभुज ए बी सी के समरूप टिक एक अन्य त्रिभुज जो 2/3 गुना है किसके, त्रिभुज ए बी सी के ए डैश बी सी डैश। और इस प्रकार हमारा रचना जो होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसी तरह ये एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।